नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज पहले बात कोरोना की। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 9283 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश से भी खबर है कि राज्य में पिछले 5 दिनों में 2 अंकों में मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव मामले 1,11,481 पर है, जो कि 1% है टोटल काउंट का। मार्च 2020 से अब तक सबसे कम मामले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक से खबर यह आ रही है कि कर्नाटक में धारवाड़ के एसडीएम कॉलेज ने 2 हॉस्टल सील कर दिए गए हैं, क्योंकि कॉलेज के एक कार्यक्रम के बाद 66 छात्र कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर, जो कि वहां के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन्होंने साफ किया है कि इन छात्रों ने कोरोना की दोनों डोजेज ले रखे हैं। इस कॉलेज में, आपको बता दें, 400 छात्र हैं, जिनमें से 300 का कोविड टेस्ट किया गया था, जिनमें 66 पॉजिटिव निकले हैं। जो ये कोविड पॉजिटिव छात्र निकले हैं, इनका हॉस्टल में ही इलाज चलेगा। बाकी जो 100 छात्र हैं, उनका भी अब जल्द से जल्द टेस्ट किया जाएगा। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश से आ रही खबरों और हाल ही में महाराष्ट्र से भी संकेत मिले थे। चर्चा थी कि भाई क्या तीसरी वेव आ सकती है, क्या संकेत दे रहे हैं हमें ये मामले। दिल्ली में कोरोना महामारी की टीम की अगुवाई कर रहे डॉक्टर एस के सरीन हमारे साथ हैं, और वो किस तरह से इन खबरों का आंकलन करेंगे। डॉक्टर सरीन, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, जो ये तमाम कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट भी आगे दिखाएंगे, ये मामले सामने आ रहे हैं, किस तरह से आप आंकलन कर रहे हैं स्थिति का कोरोना के मामलों को लेकर? थैंक यू निधि। ये थोड़ी सी चिंता की बात है ही। जैसे पहले पिछले साल शुरू हुआ, एक केस केरला में आया, उसके बाद थोड़ा दिल्ली में, थोड़ा महाराष्ट्र में, एक एक करके केस बढ़ते गए। इसको थोड़ा लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग जिस वायरस या वेव की बात करते हैं, वो वेव शुरू होने से पहले कहीं तो इसका एक धरातल होता है। वो धरातल, वो बिंदु एक केस से बनता है। तो अगर हमारे यहाँ एक भी म्यूटेंट वायरस या एक भी ऐसा एस्केप वाला वायरस आएगा जो कि वैक्सीन से एस्केप करता है, तो धीरे धीरे नॉर्मल 12 से 24 हफ्तों के अंदर ये वायरस इतने लोगों में फैल जाता है कि वो फिर एक वेव का फॉर्म लेता है। तो वेव बनने से पहले अगर हम उसको समझ लें, उसको देख लें कि कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो केसेस 3 जगह आपने बताए जहां पे थोड़ा थोड़ा हरकत होने लगी है, तो मुझे लगता है थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। इंसाकॉग जो पूरा नेशनल जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं वायरसेस के, वो जरूर इस बात पे नजर रख रहे होंगे कि क्या ये नया म्यूटेंट या वेरियंट तो नहीं है कोरोना का। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हर रोज देखना है कि वहां नंबर या R0 जिसे कहते हैं बढ़ तो ही नहीं जा रहा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। सर, जिस तरह से कर्नाटक का मामला है, आपने देखा 66 वहां पे बच्चे पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र से खबर आई थी, वहां पे एक अधिकारी या मंत्री ने कहा कि भाई थर्ड वेव पॉसिबल है दिसंबर तक। अब ये थर्ड वेव क्या, इसको आप कैसे समझाएंगे आम नागरिकों को कि क्यों इस तरह की जो बातें आ रही हैं, उसके लिए हमें सतर्क रहना जरूरी है? देखिए, कई जगह जैसे यूरोप है, फ्रांस है, वहां तो फोर्थ और फिफ्थ वेव की बात हो रही है। हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, पर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सेकेंड वेव गई नहीं है। अभी भी हम लोग केसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी कहीं कहीं पे आप देखें तो केसेस आए जा रहे हैं। डेथ्स अभी भी हमारी 200 से ऊपर कई बार हो रही हैं। तो सेकेंड वेव भी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। पर ये होता कैसे है, देखिए, अगर आपकी पॉपुलेशन में, आप पुलिस का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पे पुलिस नहीं हो, चोर भाग जाएगा, उस रास्ते से जाएगा जहां कोई रोकने वाला नहीं, तो वायरस भी उसी व्यक्ति में प्रवेश करेगा जिसके पास या तो एक ही वैक्सीन लगी है या बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगी। तो ऐसे लोगों की तादाद भारत में लगभग 50% 40% है जिनको पूरी वैक्सीन की डोसेज नहीं मिली है, तो दे आर अनप्रोटेक्टेड। ऐसे लोगों में अगर वायरस गया तो उन लोगों के अंदर फटाफट वायरस बढ़ेगा, और म्यूटेशंस नए फॉर्म वायरस के तभी बनते हैं जब वो प्रोपोगेट करेगा, जब उसको ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा। तो सर, इन सिंपल टर्म्स अगर
जी मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने जी आपको रोका है, मैं आपसे ही जानना चाह रही थी भाई, एक तरफ तो सब कुछ खुल रहा है जिसकी जरूरत भी है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो इसमें रास्ता तो निकालना चाहिए लोगों को या सरकारों को कि किस तरह से अपना ध्यान रखना है, वो नियम जो मास्क पहनने के हैं, दूरी के हैं, वो जरूर जरूर बनाए रखने हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे सेकंड डेल्टा की वेव आई, तो जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनके अंदर भी डेल्टा, दोनों वैक्सीन के बाद भी 10%, हमारे ILBS में भी 10% लोगों में नया इन्फेक्शन हो गया। क्यों हो गया? लोग थोड़े बहुत ढीले हो गए, थोड़े बहुत उन्होंने मास्क उतार दिए। तो अभी जैसे थैंक्स गिविंग है अमेरिका के अंदर, ये वीकेंड थैंक्स गिविंग का वीकेंड माना जाता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, केसेस का नंबर बढ़ रहा है, यूरोप के अंदर बढ़ रहा है, यूरोप एपिसेंटर हो गया है। ये सब इसलिए हुआ है कि वहां लोगों में वैक्सीन की हेजिटेंसी है, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। भारत के अंदर वैक्सीन, इतना बड़ा देश है, लग नहीं पाई। तो जब तक हमारे यहाँ हर व्यक्ति के दो शॉट्स नहीं लग गए हों, मैं कहूंगा चाहे 2022 का मिडिल हो या 2022 का एंड हो, हमें अपने आप को बचाए रखना है। और सिंपल तरीका है सेल्फ लॉकडाउन, गवर्नमेंट के लॉकडाउन की नहीं जरूरत है। आप मास्क लें अपना, हम लोग तो हॉस्पिटल होते हैं तो डबल मास्क हमेशा लगाते हैं। आप अपने आप को लॉकडाउन में रखें, आप लॉकडाउन में रहेंगे ना औरों का वायरस आप में आएगा, और अगर अनफॉर्चुनेटली आप में है तो दूसरों में नहीं जाएगा। और ये आपको, मुझे मालूम है लोग थक गए, मुझे पता है कि लोग दुखी हैं, बट जिंदा भी रहना है। और आप जितने रेस्पॉन्सिबल रहेंगे उतना ही देश बचा रहेगा। आपसे शुरुआत होती है इस देश को बचाने की, औरों के ऊपर ना डालें, मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे, कि एक तरफ ये है कि हमारे एक बहुत बड़ी आबादी के देश के दोनों डोजेज नहीं लगी हैं, और दूसरी तरफ बूस्टर डोज की बात भी हो रही है, तो हम कहां पे हैं? मतलब कहां पे हमें दोबारा तेजी लानी पड़ेगी टीकों को लेकर? देखिए, बूस्टर बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। और फाइजर की वैक्सीन जब थर्ड डोज दी गई तो चौथे दिन लोगों की एंटीबॉडीज बहुत बढ़ गई, 11वें दिन लगभग 10 गुना बढ़ गई, तो आपका प्रोटेक्शन लेवल बढ़ गया। पर भारत में हमें ये देखना है कि पहले सेकेंड डोज तो पूरी हो और फर्स्ट डोज 100% में लग जाए। ये दोनों अगर हम मापदंड पूरे कर लें, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज को बूस्टर जरूर लगानी चाहिए। पर एक और बात है, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या ऐसे एल्डरली हैं जो कोमॉर्बिड हैं, उनमें थर्ड डोज अगर अवेलेबल है तो जरूर बूस्टर लगाना चाहिए, चाहे सेम वैक्सीन का हो चाहे दूसरी का हो। बूस्टर मींस बूस्टर, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, आप ठीक हो गए। आपने इस तमाम जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरीन, जुड़ने के लिए समय निकाला। तो वाकई एक बार फिर से सतर्क होने का समय आ गया, अपना मास्क ना उतारें। और जो हम ये बात कर रहे हैं, आपको मध्य प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कहां वहां पर किस तरह से धीरे धीरे मामले बढ़े हैं। पिछले 5 दिनों में लगातार इस राज्य में दो आंकड़ों में, ये अंकों में, ये नंबर मामले सामने आ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोविड संकट पर नियंत्रण होने के कारण महामारी के समय, कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कोविड के सारे प्रतिबंध हटा दिए। राज्य में न सिर्फ रैली धरना प्रदर्शन बढ़ा, कोविड के प्रोटोकॉल भी टूटे। नतीजा, मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए। पिछले 5 दिनों में 75 नए कोविड के संक्रमित मिले, जो उससे पहले के 5 दिनों की तुलना में 150% अधिक है। एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से 100 पार कर 104 पर जा पहुंची है। एक और फिक्र की बात, कम टेस्टिंग है। पहले औसतन 80,000 सैंपल हर दिन लिए जाते थे, लेकिन अब लगभग 55,000। 22 नए प्रकरण आए, 8 ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। 104 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे हैं। संक्रमण दर हमारी 0.04% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई।
कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमने 57,223 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए। दूसरी फिक्र की बात, दोनों डोज लगने के बाद पिछले 10 दिनों में 3 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें 2 इंदौर के थे। अलग अलग ट्रेनिंग से या बाहर से आते हैं, इन लोगों का आया है केसेस पॉजिटिव, और राहत और डेथ का तो इनको कहीं न कहीं कोमॉर्बिडिटी रही है, दूसरे साथ में कोविड पॉजिटिव के साथ कोमॉर्बिडिटी, इस वजह से इनकी डेथ भी हुई है। अगर अपन समझना चाहें तो क्या दोनों वैक्सीन के डोज लग गए थे उनको? दोनों वैक्सीन के डोज लग गए और इनके कोई वैसे ट्रेवल हिस्ट्री ज़्यादा है ही नहीं। तीसरी फिक्र ये तस्वीरें हैं। धार में स्वास्थ्य विभाग की टीम को पीट दिया गया, डिंडौरी में वो धान काटने लगे ताकि किसान टीका लगवाने जाएं। बात डराने की नहीं लेकिन फिक्र की जरूर है। गांव शहर सब खुल गए हैं लेकिन लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरी डोज लगवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, नतीजा संक्रमण बढ़ता जा रहा है। धार से साबिर, डिंडौरी से डेविड, इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में खबर अब राजनीति की। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इस पर इस समय एक बैठक चल रही है। सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उमा, करीब जो समय दिया गया था 5:45 पर यह बैठक शुरू हो गई थी, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्या इस पर डिस्कस हो रहा है? जी देखिए, अमूमन हर सत्र के पहले कांग्रेस अपनी एक रणनीतिक बैठक करती है जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा के जो कांग्रेस के नेता हैं वो होते हैं और तमाम जो जो कई सांसद हैं वो हैं, और यहाँ पे कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं उनके घर पे जो पहुंच चुके हैं राज्यसभा में, जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, तो तमाम अहम नेता जो हैं वो सोनिया गांधी के घर पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से देश में अभी राजनीतिक स्थिति है उन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस संसद में उठाएगी, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करती रही है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस की, उसमें ये कहा गया है कि जो कोरोना से जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 4,00,000 मुआवजा दिया जाए, इस बात को लेकर कांग्रेस सड़क पे तो उतर ही रही है, संसद में भी इस बात पर जोर देगी। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है निधि, की पेगासस का मुद्दा है और खासतौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तो इस बात को लेकर राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि मांग करेंगे कि संसद में भी इस पर चर्चा हो। और जिस तरह से किसान बिल को वापस लेने के लिए सरकार मजबूर हुई है, कांग्रेस उसको अपनी एक उपलब्धि के तौर पे देखती है, तो इसमें कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाने का भी काम करेगी संसद के शीतकालीन सत्र में। जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस लगातार ये कहती है और मांग करती रही है कि संसद में उस पर बहस हो, लेकिन देखना है कि किस तरीके से सरकार उन मुद्दों को जगह देती है, किन मुद्दों पर चर्चा करती है, तो इन सब बातों को लेकर बैठक अभी चल रही है सोनिया गांधी के घर पे। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए उमा, आप इस पर नजर बनाए रखें। तो फिलहाल देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आगे हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में किया है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास, पिछली सरकारों की जमकर खिंचाई भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। पुराने समय में केंद्र से यूपी तक में सत्ता पर काबिज सरकारों को भी आड़े हाथों लिया, बार बार जोर डाला कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश का वो सपना साकार किया जिसका यूपी सालों से हकदार रहा है। जय श्री राम। प्रधानमंत्री के आने से पहले के कार्यक्रमों से झलक मिलने लगी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम में फर्क करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यूपी के 5वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री भी राजनीतिक दावेदारी में पीछे नहीं रहे, रैलियों का रंग भी दिखा जब मंच पर उपस्थित सभी मंत्रियों ने हाथ उठाकर एक दूसरे का हाथ थामा। उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। यूपी में पहले जो सरकार थी चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था
इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिन किसानों से जमीनें ली गई उन्हें भी बुलाया गया। सारे चरणों में कई हजार किसान परिवारों के विस्थापित होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,000 किसान परिवारों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मुआवजा सभी को मिला है। 4 गुना देने के लिए कहा था, अब जो है 20 लाख में ही बात रही है। कुछ भी नहीं दिया, बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं दी, कोई भी मतलब किसान स्वतंत्र नहीं है। धोखे से आके पहले तो लूट लिया है और अब तो आंख दिखाते हैं। मतलब आपको जमीन का मुआवजा ठीक से नहीं मिला? ठीक, मुझे मेरे पैसे नहीं आए अभी। मेरे एक खेत के किसोपुर माजरा के पैसे नहीं आए, 5.5 लाख मेरे बच्चे के लड़के के नहीं आए पैसे। प्रोजेक्ट नया था, सपने भी नए थे, लेकिन सियासत में सब कुछ नया नहीं होता, पुराने समय की भी याद दिलानी पड़ती है। कार्यक्रम सरकारी था मगर राजनीति से अलग नहीं। यहाँ की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहाँ पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है आज उत्तर प्रदेश। और यह बात रिकॉर्ड के लिए भी जरूरी है कि जेवर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से कितना रोजगार मिलेगा। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। कोई 60,000 करोड़ का निवेश कह रहा है, कोई 30,000 करोड़ का निवेश। आज के अखबारों में पीटीआई के हवाले से एक खबर छपी कि नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा कि अगले 5 साल में विमान सेक्टर में 90,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। क्या उसका आधा सिर्फ एक प्रोजेक्ट में आएगा? बात सत्ता की भी है और सुनहरे कल की भी, पर विकास की इस नई उड़ान को लेकर जमीन पर अब भी कुछ किसान परेशान हैं। प्रदेश में चुनाव है तो ये नई सौगात भी। अब देखना होगा कि इस एयरपोर्ट के दम पर रोजी रोजगार, विकास की रफ्तार और किसानों को लेकर व्यवहार क्या यूपी में बीजेपी का लगाएगी बेड़ा पार। जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बातें वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव किस तरह से छोटे दलों के साथ कोशिश कर रहे हैं बड़ी राजनीति। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पिछड़ी जाति की एक और पार्टी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से गठबंधन कर लखनऊ में एक बड़ी रैली की है। इस तरह यह पांचवी पार्टी जिससे अखिलेश का अलायंस हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वे बड़े बदलाव के लिए छोटी छोटी उन पार्टियों को जोड़ रहे हैं जिन्हें सियासी हिस्सेदारी नहीं मिली है, वे उन्हें हिस्सेदारी देंगे। खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की एक और पिछड़ी पार्टी के साथ गठजोड़ का ये सम्मेलन हो रहा है। मंच सजा हुआ है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का। ये नोनिया बिरादरी के लोगों की पार्टी है जिसके नेता संजय चौहान हैं, जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हर तरफ नोनिया समाज की पार्टी के झंडे लहराते रहे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद ये उनकी पहली रैली है।
अखिलेश यादव ने उनका हमेशा साथ देने का वादा किया। आपके साथ सहयोग दे करके आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर आपको हक देने की बात होगी तो हक दिलाने में भी समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको अगर भागीदारी देने की बात होगी तो समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। नोनिया पिछड़ी जाति है, जिसे लोनिया और चौहान भी कहते हैं। इनकी आबादी 3% के आसपास है। इनका पूर्वी यूपी के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, चंदौली वगैरह जिलों की 15-20 सीटों पर अच्छा असर है। समाजवादी पार्टी अब तक राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कृष्णा पटेल, महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से गठबंधन कर चुकी है। शोपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राजा भैया के जनसत्ता दल से गठबंधन के चर्चे हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। रैली में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि अखिलेश यादव ने सरकार बनने पे उनके समाज को पूरी हिस्सेदारी का वादा किया है, इसलिए वे समाजवादी पार्टी को वोट देकर जिताएं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कम बेसी अपने समाज के लोग हर जिले से आए हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा साथियों कि आप अगर चाहते हैं कि आपका नेता मजबूत हो तो 2022 के विधानसभा का चुनाव आएगा, अपने अपने बूथ से आप साइकिल को जिता देना। रैली में पहुंचे दोनों दलों के कार्यकर्ता इस गठबंधन से उत्साहित दिखे। बिंद बिंद से सिंध बना है, जब छोटे छोटे दल मिलेंगे तो एक बड़ा महादल बनता है। तो आप ऐसे भी सोच लीजिए, आज हर वर्ग आज अखिलेश यादव की तरफ बहुत उम्मीदों से देखा। राजनीतिक फायदा यही है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जो शोषित वंचित परिवार हैं, वो एकजुट हों और एकजुट होकर ही इस घमंड से भरी सरकार को हम लोग हटाने में कामयाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें एक एक वोट की अहमियत है और छोटी से छोटी जाति की बेइंतहा अहमियत है। ऐसे में एक नई बैकवर्ड पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का चुनावों पे जरूर असर होगा। लखनऊ में अरुण पांडे और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, कर्नाटक में इंजीनियर के घर में लगे पाइपों से नोटों की बरसात से हड़कंप, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं होती बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई। देश की बात में खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक के एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी शुरू की तो निचले और मध्यम दर्जे के अधिकारियों के घरों से आभूषणों का अंबार मिला है। हद तब हो गई जब एक इंजीनियर के घर में लगे पाइप से नोटों की एक तरह से बरसात हुई। तो जहां एक तरफ एसीबी की छापेमारी की तारीफ हो रही है, वहीं सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आईपीएस आईएएस अधिकारी, विधायकों, मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। जब शक्तियां हैं लोकायुक्त के पास थी तो उसने येदियुरप्पा जैसे कद्दावर नेता को भी जेल भेज दिया था। शानदार बंगला और अंदर की ये साज सज्जा किसी फिल्मी सेट से कम नहीं। जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहां छापा मारा तो जेवरों की चकाचौंध से कमरा जगमगा उठा। एसीबी को शक हुआ तो प्लंबर बुलाया गया और फिर पाइप से नोटों की बारिश शुरू हो गई। छापे मझौले दर्जे के सरकारी कर्मचारियों के ठिकानों पर मारे गए। इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े अधिकारी और जन प्रतिनिधि पाक साफ हैं? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? लोकायुक्ता एक मजबूत संस्था बनकर उभरे, जिसने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ येदियुरप्पा जैसे कद्दावर नेता को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा। लेकिन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 2016 में इस संस्था की धार खत्म कर दी। 65 कंप्लेंट्स अगेंस्ट कांग्रेस के शासन में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ 65 मामले लोकायुक्त में दर्ज थे। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने एसीबी बनाया। पॉलिटिकल एम्बरेसमेंट
ही क्रिएटेड दी एसीबी। एसीबी राज्य के मुख्य सचिव को रिपोर्ट करती है और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को, यानी एसीबी पर मुख्यमंत्री का नियंत्रण है। छापे मारने का अधिकार लोकायुक्ता से लेकर एसीबी को दे दिया गया। आय से अधिक जमीन जायदाद और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच सिर्फ एसीबी ही कर सकती है, जबकि अब लोकायुक्ता का दायरा सिर्फ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी के मामलों की जांच तक ही सीमित रह गया है। लोकायुक्ता के कमजोर होने से भ्रष्ट नेता और अधिकारी खुश है, लेकिन आम लोगों को लगता है कि उनकी आवाज दबा दी गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।